पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शेख हुसैन पर हुई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में निंदाजनक वक्तव्य किया था। इस बारे में हमने गिट्टी खदान पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने उन पर इतनी छोटी कार्रवाई की कि वे एक मिनट में बाहर आ सके, उन पर ठोस कार्रवाई हो, इसलिए आज हम फिर से एक बार पुलिस कमिश्नर को निवेदन देने वाले हैं। ऐसी जानकारी बावनकुले ने इस वक्त दी। प्रधानमंत्री मोदी जी इनके बारे में कांग्रेस के मोर्चा में कांग्रेस के शेख हुसैन उन्होंने निंदाजनक टिप्पणियां की थी, उनके व्यक्तिगत चरित्र पर हनन होगा ऐसा वक्तव्य किया था। हमने गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन और पुलिस कमिश्नर को इसका सबने जाके निवेदन दिया। हमारे प्रवीण दटके जी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब गए थे, हम सारे विधायक थे। पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई तो की, लेकिन इतनी छोटी कार्रवाई की जो कि वो एक मिनट में बाहर आ सके। हमने उसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर को निवेदन दिया था कि शेख हुसैन पर की हुई कार्रवाई आपत्तिजनक है, गलत है, उनके ऊपर जो जो कलम लगाना चाहिए वो हमने अच्छे एडवोकेट से सलाह लेकर सारे कलम का कौन से वक्तव्य पर कैसी कैसी कलम लगती है, स्टेट पे बैठने वाले सारे ताली बजा रहे थे उनके ऊपर क्या कलम लगती है, ये सारा हमने लीगली ओपिनियन लेके उनको बताया था। लेकिन आज तक पुलिस कमिश्नर और पुलिस विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम फिर एक बार पुलिस कमिश्नर से आज विनती करने वाले हैं कि शेख हुसैन इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, स्टेज पे जिन जिन लोगों ने ताली बजाई थी उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ पिछली सरकार के समय महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी जो भी माजी मुख्यमंत्री उनके ऊपर अगर कुछ आक्षेप आ रहे, किसी ने नागपुर में पोस्ट डाली तो उनको जेल में रखा गया तीन तीन महीने, दो दो महीने, एक एक महीना। माननीय शरद पवार साहब के ऊपर अगर कुछ बोला गया तो उनको जेल में रहना पड़ा। किसी ने किसी का व्यक्तिगत हनन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एक तरफ ऐसी कार्रवाई होती है जेल में जाने की, दूसरी तरफ खुलेआम हजारों लोगों के सामने शेख हुसैन मोदी जी के बारे में, हमारे पंतप्रधान के बारे में गलत बोलते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है, ये गलत है। हम फिर कमिश्नर से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि शेख हुसैन पे लीगली कार्रवाई करनी चाहिए। हम लीगल के ऊपर नहीं मांगेंगे, जो नियम में बैठा उनके वही मांगेंगे, और उनके समर्थन जो करने वाले ताली बजाने वाले उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।